नहीं रहे, वो अपनी जगह कहीं नहीं दिखते हुए चले गए। और तब उन्होंने माता पार्वती से कहा कि यह स्थिति क्या है, मेरे भी सभी लोग भूखे मर रहे हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं माँ पार्वती माँ, अब मुझे क्या करना है, हिरण्यकश्यप सता रहा है सभी को। तब माता पार्वती ने कहा कि जब तक तुम्हारा अहंकार नहीं टूटेगा कुछ होगा नहीं। तो तब विष्णु ने कहा कि लो मैं भी तुम्हारी मेरा मस्तक छिन्न करता हूँ, और विष्णु ने अपना मस्तक छिन्न कर दिया। छिन्न कर देने के बाद माता पार्वती हंसी और कहा कि आज तुम्हें मेरा वाहन सिंह का सर तुम्हें लगा देती हूँ। और उन्होंने जैसा ही लगाया वे नरसिंह रूप हुए, और जब नरसिंह रूप हुए अमित शक्ति के साथ उस हिरण्यकश्यप अहंकार हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध किया। यही बात गणेश जी की स्थापना में हुई, जिस अहंकार के साथ गणेश जी माता पार्वती के मल से उत्पन्न होकर रहे थे और उन्हें शिव जी को अड़ाया और अहंकार के साथ कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, शिव जी ने कहा मेरे ही घर में मुझे नहीं जाने देता। माता की उस अहंकार युक्त वाणी को उस माता के मैल से बने हुए उस गणेश जी की जब वार्ता हुई, त्रिशूल से उनका सर काटा गया, तब माता का अहंकार उस शरीर में दिख रहा था। और जब उन्होंने कहा वो आए और माता जी ने प्रार्थना की कि मैंने जिसकी सृष्टि की आपने उसका सर काट दिया। भगवान ने माता के प्रेम के कारण, माता के ऊपर प्रेम के साथ कहा कि नहीं मैं तेरे पुत्र को फिर जन्म देता हूँ। और गणेश जी का दिया यह भी वही छिन्नमस्ता साधना थी। छिन्नमस्ता के साधक परशुराम जी हुए, छिन्नमस्ता के साथ शिव जी हुए, छिन्नमस्ता के साथ ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा किस तरह हुए कि उनके पांच मुख थे, एक मुख कट गया और वे चतुर्मुख ब्रह्मा कहलाए। नहीं तो हमारे पास पांचवा वेद रहता था, आज ब्रह्मांड में वो वेद नहीं आने के कारण, नहीं रहने के कारण, केवल देवताओं के पास, केवल विष्णु और शिव जी के पास ही वो पंचम वेद रहने के कारण, उस वेद का हमारे पास जागृति नहीं रहने के कारण हम आज स्वर्गलोक पर या चलते फिरते जाने वाले, यहाँ से नारद तीन लोग घुमा करते थे, चार लोग जाया करते थे, यहाँ के राजा प्रजा सब आकाश मार्ग से जाया करते थे, वो विद्या उस पंचम मुख को काट देने से वो विद्या यहाँ से चली गई। अगर वो पंचमुख ब्रह्मा का रहता था और वे वेद आज उद्भासित होते थे तो आज हमारे में वही शक्ति होती थी कि हम इस संसार में कहा करते हैं कि यहाँ पहाड़ भी पंखों के साथ उड़ा करते थे, वो विद्या चली गई। छिन्नमस्ता की साधना अपने अहंकार को निकाल देकर अपने गुरु से प्रेम करने वाली प्रक्रिया है। हम प्रेम से जो इस संसार में चाहते हैं, गुरु का प्रेम प्राप्त करने वाली, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने वाली, जन्मों जन्मों तक गुरु से मिलाने वाली, गुरु से रहने वाली साधना छिन्नमस्ता साधना कही गई है। मैं आपको आज के दिन यह आशीर्वाद देता हूँ और आप सभी के साथ छिन्नमस्ता देवी का प्राण प्रतिष्ठा मूल मंत्र के साथ उसका विधान करते हुए, यहाँ साधना केवल 2 घंटे की साधना है, आपको यहीं बैठ के साधना करनी है। और इस साधना की विशेष आहुतियाँ रात को 9 से 10 बजे तक आहुतियाँ डलवाऊंगा। साधना आपको मेरे सामने करनी है और मैं वचन देता हूँ, गुरु जी के सामने रहकर कहता हूँ कि आप इस साधना को करने के बाद इस जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में आप गुरु के साथ बिछड़ेंगे नहीं, ना आपके चाहते हुए आपके प्रेमी के साथ बिछड़ेंगे नहीं, ये मेरा वचन। ये केवल एक दिन की साधना है। आज चतुर्दशी युक्त यह आषाढ़ी कल पूर्णिमा है और आज चतुर्दशी है, और चतुर्दशी छिन्नमस्ता की श्रेष्ठ विधि साधना कही गई है। पहले पूजा विधान होगा और पूजा विधान होने से पहले आपको 5 माला गुरु मंत्र जप करना है। पूजा विधान होने के बाद आपको यहाँ बुलाया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा आपके हाथों से करवाई जाएगी, और उसके बाद आपको माला और उसके साथ जो वहाँ चीज रखी है, क्योंकि आपको इस शक्ति को आपके साथ ले जाना है, इसलिए यहाँ साधना करने के बाद जो शक्ति की गुटिका है, जो ये शक्ति का विधान है, आपके साथ ले जाने के लिए मैं दे रहा हूँ। यंत्र और स्थापना सब यहीं होगी, गुटिका और माला तो आपको लेनी है, जो आप यहाँ साधना करके वो शक्ति के साथ घर में जाके आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपके पास रख लेना है। साधना यहीं सिद्धि करवा रहा हूँ, आपको घर को जाके कोई जप करना नहीं है, आज ही साधना यहीं सिद्ध होगी, यहीं आहुति होगी, यहीं पूर्णाहुति होगी और आप माता छिन्नमस्ता और गुरु कृपा के प्राप्त होनेंगे। आप जिसे प्रेम करते हैं वो प्रेम आपका चिरस्थायी होगा, 7 जन्मों तक वही प्रेम रहेगा। ये छिन्नमस्ता माता की कृपा है, चाहे गुरु कृपा हो, चाहे आप किसी के साथ प्रेम करते हो, वो प्रेम चिरस्थाई के साथ आपके साथ, वो प्रेम आपके साथ बना रहेगा, आप उसकी कृपा प्राप्त करेंगे, ये साधना यहां संपन्न होगी। इससे पहले आप 5 माला जप कर लें, जप करने के बाद ये विधान पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के साथ आपके सामने करवाया जाएगा, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आपको उस मंत्र को, मंत्र जप को 2 घंटे करना है। 2 घंटे करने के बाद रात में इसकी आहुति दी जाएगी और इस साधना का विधान आपको आगे, इसका फल क्या है, किसने इसका फल भोगा, किस तरह फल भोगने की प्रक्रिया है, गुटिका को क्या करना है, साधना के बाद बतलाऊंगा।
क्योंकि आप साधना की बात नहीं जानते कि गुरु किस तरह जुड़ता है और आपके जीवन के सारे कष्टों को किस तरह निवारण करता है। आज तक इस संसार में जिसमें अहंकार रहा, जिसमें दुर्मति रही, जैसा दुर्योधन वाला रहा, चाहे गुरु रहने दो तो ये भी दुर्योधन जैसे हैं। चाहे कृष्ण रहो, चाहे ब्रह्मा रहो, या चाहे और कोई भी रहो, गुरु कितना भी उद्धार करना चाहता है लेकिन उनका गुण नहीं बदलता तो गुरु कुछ नहीं कर सकता। गुरु के कहने पर जब वो वचन नहीं मानते तो गुरु कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी को हम कहते हैं कि तुम यहाँ आकर आश्रम में रहो, वो नहीं आते तो गुरु कुछ नहीं कर सकता। आप आना ही चाहिए, तब गुरु का कार्य बनता है। आप गुरु तब जिम्मेदारी लेता है, गुरु वचन दे रहा है आपको कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम नहीं करते हो तो ये तुम्हारी बात है। वही दुर्योधन की बात हुई, वही अहंकार युक्त बात हुई, और इस अहंकार का फल भी उसी तरह होता है जो गुरु से दूर करता है। आप ऐसे ना हो, इसलिए स्वामी निखिलेश्वर सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस साधना को संपन्न कर गुरु के समीप जन्मों जन्मों से हो, जब गुरु जन्म लें आप भी उनके साथ जन्म लें और आपके प्रेम को, गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करें। ऐसा ही करता हुआ इस साधना को आगे प्राण प्रतिष्ठा युक्त संपन्न करूंगा। आपको पांच माला गुरु मंत्र जब करना है, उसी के बाद ही गुटिका प्रदान कर दी जाएगी। तब तक उदय महाराज और शेषो महाराज के साथ इसकी पूजा करवाऊंगा। उदय महाराज पूजा करेंगे, शेषो महाराज उनके साथ उनको जैसा कहते हैं वैसे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उदय महाराज छिन्न मस्तक की साधना और यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा करवाएं। शेषो महाराज जी आए, आपको ऐसा क्यों कर रहा है लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही करना है। शेषु महाराज की भी मीन राशि है और इनकी भी, और ये तीनों के माध्यम से देखेंगे कि आज हमें साधना की सिद्धि कितनी मिलती है। पहले पूजा होगी, बाद में अष्टोदश शतनाम होगा। उसके ऊपर वस्त्र का चिन्ह एक विशेष प्रकार का है, क्योंकि यहाँ उस वस्त्र को पहनकर ही साधना करने पर ही फल मिलता है। उसकी भी व्यवस्था की कर दी गई है, आप अगर साल में जाके पूछेंगे तो वो मिल जाएगा। फिर भी मैं कहता हूँ एक ध्वजयुक्त वस्त्र आसन और वस्त्र पहनने वाला ही इस साधना को करे। तो आज का आज ही छिन्नमस्ता की दर्शन और आपके प्रिय गुरु का दर्शन या प्रिय व्यक्ति का दर्शन आप आज रात में ही प्राप्त करेंगे और उनका प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप यह कार्य करें। पहले पांच माला गुरु मंत्र जब संपन्न करें, सभी लोग पांच माला गुरु मंत्र जब संपन्न करें, साधना गुटी का बाद में, पहले पांच माला गुरु मंत्र जब करें, बाद में मंत्र को मैं आपको उपदेश करूंगा।